1971 में मुल्क में कैद हो गया, आटे और चीनी का तो राशन हो गया। झाड़ू लगाना, सफाइयाँ करना, माल लगाना, सेटिंग करना, लोगों को डील करना, ये कॉन्शनेंस, ये ताकत, ये इज्जत, ये एनर्जी, ये विजन, ये ब्रांचें तमाम मेरे रब ने दी। आपकी हैसियत क्या है मिस्टर इम्तियाज? आपके अगर यूरिन बंद हो जाए तो आप नहीं खोल सकते। अगर हम ये कहें कि मैं कर रहा हूँ तो ये खुदा के खिलाफ जंग हो गई है। मैंने वो स्टोर लिया और आमन फानन मेरे कोई भाद्रबाद की सेल में कमी नहीं आई और वहाँ भाद्रबाद से डबल सेल हमें मिलनी शुरू हो गई। वो कि इस सफ़र में मुझे 70 साल लग गए। कोई भी शख्स अगर बिजनेस करे तो उसके लिए 3 चीज़ें आलाइन होना ज़रूरी है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि एकदम बिल्कुल साइंस और प्रैक्टिकली बुक से डिफरेंट बात हो रही है और मुल्क में लोगों के करोड़ों में कारोबार बंद हो गए, मर गए, कोई कारोबार खलाश हो गए, बंद हो गए, ये हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ हुआ जो सबको कह लेंगे सर कारोबार 50% रह गया है। अब इस 50% कारोबार में 50% लोगों को निकाले, उस वक्त हमारे पास 4-5 हज़ार लोग काम कर रहे थे। तो मुझसे कहने लगे कि आप 10 करोड़ रुपये तनख्वाहें हर महीने खाम खा के देने के लिए तैयार हैं और सुबह 6 से रात 12 बजे तक बड़ी जद्दोजहद के साथ साथ। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। सर आपका हमने पूरा होम टूर किया, आपकी जो आज की जिंदगी है, आप किस लग्जरी लाइफ स्टाइल में जो है वो रह रहे हैं ये हमने देखा, लेकिन ये तो आपका वो स्ट्रगल नहीं देखा किसी ने भी जो आपने पूरी लाइफ किया और करने के बाद इस मुकाम तक पहुंचे। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी ये सवाल ऐसा है कि हर कोई जानना चाहता है कि कहाँ से आपने स्टार्ट लिया था अपनी जर्नी का। यस, मैं इसमें एक 1967 में मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नेशनल कॉलेज से कंप्लीट किया। मेरे वालिद साहब बीमार थे, उनकी एक जनरल स्टोर थी छोटी सी भाद्रबाद में, और भाद्रबाद एक 9 नंबर गली के अंदर, जैसे कि आज भी मल्लों में और गली में कुछों में मुख्तलिफ कॉलोनीज में छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं, उस तरह का एक छोटा सा स्टोर था परचून का। और 1967 में जब मैं आया तो फिर मैंने ये तय किया कि मैंने आगे कॉलेज के बाद पढ़ना है या मैंने बिजनेस करना है। तो मैंने वालिद साहब की तबीयत को देखते हुए, वो कमज़ोर और ज़यीफ़ हो चुके थे, तो मैंने कहा नहीं मुझे बिज़नेस करना है। तो मेरे ख्याल में मेरा वो टर्न लेना सही फैसला था कि मैंने एजुकेशन को कंटिन्यू किया और मैंने दिन रात लगा के पूरी फ्रिक्वेंसी और कंटिन्यूटी के साथ दुकान में काम शुरू कर दिया और बड़ी मोहब्बत और खुलूस से झाड़ू लगाना, सफाइयाँ करना, माल लगाना, सेटिंग करना, लोगों को डील करना और सुबह 6 से रात 12 बजे तक बड़ी जद्दोजहद के साथ साथ। 1971 में मुल्क में कैद हो गया, आटे और चीनी का तो राशन हो गया, तो मैंने राशन की दुकान ले ली और मेरी आनन फानन दुकान का चलने लगी क्योंकि राशन कार्ड लोगों के पास आए। ये मैं 1971 की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर आटा चीनी हम 15-15 दिन का लोगों को देते थे। एक दिन 1973 में मैंने देखा मेरे 35,000 कार्ड हो गए, यानी 35,000 लोग मेरे पास रजिस्टर्ड हो गए। अब मैं 35,000 आदमी का 15 दिन के अंदर चीनी आटा 2 दफ़ा देता था, उससे मेरी दुकानदारी भी बेहतर हो गई, कारोबार बेहतर हो गया। 1977 में मैं चला गया वहाँ पर सिंगापुर में, वहाँ मैंने एक सुपरमार्केट देखी जो आज भी है। उसका जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार अब मुझे ये सुपरमार्केट बनानी है, तो मैं अपनी कॉन्शियस में तसव्वुर और कैमरे के अंदर लेके आ गया और इस जस्तजू में लगा सिंगापुर से वापसी पे कि मैंने ये काम करना है। तो फिर बराबर बराबर जैसे पैसे बनते गए, जगह लेते गए और 1993 में हम काफ़ी एक जनरल स्टोर को छोटी मुन्नी सुपरमार्केट की शक्ल में आ गए। 1997 में मैंने एक चावल की मिल लगाई औरंगी नेशनल हाईवे के सामने, मुझे चावल खाने और बेचने का बेहद शौक था और आज भी है। तो वहाँ उस वक्त के जो वज़ीर थे PIA के शाहिद खाकान अब्बासी, उनको मैंने बुला के वो मिल की, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के हैं, तो हमने मिल की ओपनिंग कर दी। 2001 में अवामी मरकज़ में एक हिंदू ने एक स्टोर लिया, नहीं चला, उन्होंने मुझे दे दिया, मैंने वो स्टोर चला दिया। मुझे बहुत लोगों ने डराया
कि यार आप क्यों दूसरा स्टोर बना रहे हैं, यहाँ बादराबाद की सेल ख़राब हो जाएगी लोगों को। मैंने कहा नहीं, एक वाइफ मेरी बेगम थी वो कहती थी नहीं आप कर लें, आप कर लेंगे। मैंने वो स्टोर लिया और अनफानन मेरे कोई भाद्रबाद की सेल में कमी नहीं आई और वहाँ भाद्रबाद से डबल सेल हमें मिलनी शुरू हो गई। वो एक और नया बिजनेस स्टार्ट हो गया, हमें हौसला मिल गया। फिर हमने नाजमाबाद बनाया, वो नाजमाबाद में जो है वो मेरे बेटे मिस्टर उमर हैं, उनसे मैंने डिस्कस की। उस वक्त तक मिस्टर उमर काम सीख चुके थे और वो बिज़नेस में फुल फ्लैश आ चुके थे। तो मैंने उनसे कहा कि यार तुम जगह लो, जगह बनाओ। उन्होंने नाजमाबाद में जगह देखी और बनाया और वो स्टोर दोनों स्टोर से ज़्यादा चलने लगा। नाजमाबाद पॉपुलेशन बहुत थी, लोग भी बड़े खुश हुए। फिर हमने DHA स्टोर बनाया, गुलशन बनाया, फिर कराची में बाकी ब्रांचें बनाई। अलबत्त इसमें सब यह है कि हमने एक यू टर्न लिया कि मैंने कहा यार अब पंजाब में जाना चाहिए, बड़ी मार्केट है। तो मैं चला गया घूमते घूमते गुजरांवाला, वहाँ जगह की बात हो गई मेरे साथ, मेरे छोटे बेटे काशिफ थे, हम दोनों ने मिलकर सलाह करके वो स्टोर लेके उसको रन करके चला दिया। उस स्टोर से हमें इतना बूम मिला कि हम कराची को ही भूल गए। तो फिर हम फैसलाबाद चले गए, सियालकोट चले गए, उसके बाद लाहौर चले गए, मुख्तलिफ ब्रांचेज में गुजरात चले गए, सरगोधा चले गए, और हम एक गांव में चले गए वहाँ पर बिहाड़ी में। जाके बिहाड़ी में मैंने दुकान खोल दी। सब लोगों ने बोला महाराज अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़िले की सेल वहाँ ले रहे हैं। उसके बाद हमने मुल्तान में हमारी ब्रांचें बन रही हैं, भावलपुर में हमने जगह लेके बनाया, फिर इस्लामाबाद चले गए वहाँ पर बनाया, गुजरात बनाया, सियालकोट में पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्रांच है, अब हम इस्लामाबाद E11 बना रहे हैं, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्रांच हो जाएगी। तो इस तरह से ये मैंने टू द पॉइंट आपको ये दिखाया गो के इस सफ़र में मुझे 70 साल लग गए, 70 महीने 70 दिन की बात नहीं, 70 ईयर्स ओल्ड। तो उसमें बहुत नेशनल फ्रेज आया, कभी कारोबार कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, कभी पैसे नहीं है, कभी प्रोजेक्ट बंद हो गया, कभी जगह, उन तमाम इशू को मैंने इशू नहीं समझा। हम उन तमाम इशू को तय करते रहे और मेरा गोल और एक विजन था कि एक जगह पहुँचना है। तो यहाँ मैं ये बात करता हुआ चलूँ कि 2006 के बाद और 2014 के बाद मिस्टर उमर और काशिफ ने मेरे साथ पैर जम जमा के खड़े हुए और मेरे विजन को फुल किया और आज तक हम लगे हुए और अभी भी हम कर रहे हैं और मैं भी बिज़नेस में उनके साथ हूँ और वो दोनों भाई भी बेहतरीन तरीके से बिज़नेस कर रहे हैं। अब बात ये है कि ये एक 70 साल का सफ़र है। अब 70 साल की इतनी डिटेल कहानी पर डे पर मंथ पर ईयर्स तो हम नहीं डिस्कस कर सकते। तो फिर मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ, मैं मेरे दिल की आवाज़ है सच्चाई। आप जो सोचें, कुरान में लिखा हुआ अलाइनमेंट ऑफ थॉट्स, उर्दू में खुलासा है, तुम जो सोचते हो, जो बोलते हो और जो तुम्हारी नीयत है वो एक हो, बेशक उनमें डिफरेंस नहीं हो। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, कोई भी शख्स अगर बिजनेस करे तो उसके लिए 3 चीज़ें अलाइन होना ज़रूरी है। मेरे पास 1967 में 58,000 का कैपिटल था, उस वक्त 58,000 रुपये का एक कैपिटल था। मैंने उस वक्त भी पैसों का नहीं सोचा, मैंने फिर क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि मैं लोगों के लिए आसानी कैसे पैदा करूं, मैं लोगों को कैसे सहूलत दूं, मैं इनके घर में यार कैसे सामान पहुंचाऊं, मैं कैसे सस्ती चीज़ें इनको दूं, मैं कैसे क्वालिटी सबसे अच्छी क्वालिटी दूं इनको। ये मेरी एक जस्तजू थी और मैंने पैसे पर नहीं सोचा, इसलिए कि पैसों का मैंने उसको दे दिया। सही। और हैरत अंगेज बात यह है कि एकदम बिल्कुल साइंस और प्रैक्टिकली बुक से डिफरेंट बात हो रही है कि कोरोना आ गया और मुल्क में लोगों के कोरोना में कारोबार बंद हो गए, मर गए, कोई कारोबार खलाश हो गए, बंद हो गए, ये हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ हुआ जो सबको हम जो पाकिस्तानी लोग हैं उन सबको पता कि कोरोना में क्या नहीं हुआ और उस कोरोना के अभी तक पूरी दुनिया में असरात हैं महंगाई के। बिल्कुल हकीकत है। तो मेरे एक अचार CFO वाले हैं, उन्होंने कहा जी 2200 आदमी को निकाल दें। ये बात मेरे पास पहुँची और उन्होंने रिकमेंडेशन कर दी, सब चीज़ कर दी। मैंने कहा 2200 आदमी को निकाल दें, क्यों निकालें भाई?
कहने लगे सर कारोबार 50% रह गया है, अब इस 50% कारोबार में 50% लोगों को निकाले, उस वक्त हमारे पास 4-5 हज़ार लोग काम कर रहे थे। मैंने कहा यार मैं डिसएग्री करता हूँ आपकी बात से। कहने कैसे? मैंने कहा कि भाई इन 2200 लोगों को खुद आप रिस्क दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, खुदा दे रहा है। तो मुझसे कहने लगे कि आप 10 करोड़ रुपए तनख्वाहें हर महीने खाम खा के देने के लिए तैयार है? मैंने कहा मैं तैयार हूँ। बोला क्यों? मैंने कहा भाई इनका रिस्क बेहतर हो जाएगा। वो बिल्कुल लोग मेरी बात में समझे और उन्होंने ये कहा कि इम्तियाज साहब की उम्र हो गई है 70 साल, बड़ी हो गई है और शायद पूरी तरह दिमागी तोज़न पर काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। इसलिए इन्होंने ये 2200 लोगों को नहीं निकाल रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि आप शोर में मुझे खामोश होकर बैठे काम करें, किसी की कोई आदमी एक नहीं जाएगा, बल्कि हम तनख्वाह भी बढ़ाएंगे और आगे तमाशा देखो। लोग नौकर निकाल रहे हैं, कारोबार बंद हो रहा है, हमने 7 ब्रांचें ऑन कर दी। उस कोरोना के दौरान 7 ब्रांचें कराची और पंजाब में मिला के 7 ब्रांचें, तो बजाय 2200 आदमी को निकालते हमने 5000 आदमी और भर्ती किया। ये सऊदी अरब से आ गए थे, दुबई से आ गए थे, कहाँ कहाँ से लोग कोरोना में आ गए, पूरी दुनिया इंटरनेशनली, यहाँ जो पाकिस्तान के लोग थे अब वो यहाँ आ गए थे। तो मैं खुदा का करोड़ों शुक्र अदा करता हूँ कि जिस वक्त बोरी बंद लाशें और हालात ख़राब 97, 98, 2001, 2003, 2004 में, और हर आदमी ये कहता था कि सुबह घर से निकलेंगे तो शाम को नहीं पहुंचेंगे, सही बात, मैंने कभी इस बात को नहीं सोचा। और मैंने खड़े होके मुख्तलिफ ब्रांचों की ओपनिंग और चैम्बर्स का मेम्बर हूँ, वहाँ मैंने खड़े होके कहा मैं टोटल इन बातों की नफ़ी कर रहा हूँ, मैं अपने मुल्क के बारे में बहुत ब्राइट माइंड हूँ और बहुत सोच रखता हूँ और हमारा मुल्क बहुत आगे जाएगा। इससे चैम्बर में लोगों ने सवाल किया कि आप किस तरह की बात कर देते हैं, मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक बात, बोला आप सबूत दें, मैंने कहा सबूत ये 1% एंटी सोशल पर्सनैलिटी है, 1% ओनली, यार आप 99% मुकाबला नहीं कर सकते उनका, आप इतने कुछ दिल बेगरत हो गए। बोला कैसे मुकाबला करें? मैंने कहा रोजगार दो लोगों को, हम इसका मुकाबला लोगों को रोजगार दे के और बेरोजगारी को ख़त्म करके हमें, और हम कामयाब हुए, लोग भी कामयाब हुए, मैं खुदा का करोड़ों शुक्र अदा करता हूँ। इंसानों की 3 कैटेगरी को मैंने रिफाइन किया है। फर्स्ट कैटेगरी वो लोग जिनके बहुत बड़े कारोबार थे पूरी दुनिया में और कराची में, पाकिस्तान में भी, तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो कोरोना में चले गए, उसमें हजारों लोग चाइना में मर गए, जिनका मैं वेंडर हूँ और हमारे पास प्रूफ है, हमारी करोड़ों रुपये गए हुए हैं और पूरी कंपनी जो ओनर थे वो तीनों मर गए। अच्छा, तो इस कैटेगरी के नस्बत से जो बड़े बिजनेसमैन थे कोरोना में, एक ग्रुप इंसानों का जमीन में चला गया, एक ग्रुप इंसानों का बचा है जिनका कारोबार तो हो गया खत्म, खुद जिंदा है, पैदल हो गए। तीसरा ग्रुप एक ऐसा है जिसमें मैं आता हूं कि वो खुद भी ठीक है, जिंदा है और कारोबार भी ठीक रहा है, ये खुदा की करम है, बिल्कुल, ये अरबों खरबों खुदा की शुक्रगुजारी। तो मैं उस रब्बुल इज्जत का करोड़ों शुक्रगुजार हूँ, ये कॉन्शनेंस, ये ताकत, ये इज्जत, ये एनर्जी, ये विजन, ये ब्रांचें तमाम मेरे रब ने दी है। अगर हम ये कहें कि मैं कर रहा हूँ तो ये खुदा के खिलाफ जंग हो गई है, मैं नहीं है। आपकी हैसियत क्या है मिस्टर इम्तियाज? आपके अगर यूरिन बंद हो जाए तो आप नहीं खोल सकते, भागेंगे आगा खान 10 डॉक्टर लगाएंगे। तो फिर अगर आपका ये है तो फिर आप ये सोचें कि आपका यूरिन, जो अपने बॉडी का यूरिन, उस पर कंट्रोल नहीं, तो आपका किस पर कंट्रोल होगा? अगर किसी का सांस रुक जाए तो पूरा पाकिस्तान लिख के देने सांस नहीं आ सकता। आप लिख के दे दें पूरा पाकिस्तान, वो क्या करेगा? वो तो पड़ा हुआ है, सेफ भी हो, विजन भी हो और ताल्लुक भी हो, ये करोड़ों शुक्रगुजारी। और मैं ये कहूँगा कि ये ऐसा प्राइम जो पॉइंट जिस पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये बहुत कम लोगों को नसीब है। मैं नौजवान नस्ल को, बिजनेसमैनों को, पाकिस्तान की आवाम को ये कहता हूँ कि अपनी तरफ ना सोचें, अपने से पहले सामने वाले का सोचें, उनके साथ भलाई करें,
और फिर ये तवक्को ना रखें कि ये लड़ाई मुझसे करें, वो आपको गालियाँ दे रहा है, कोई बात नहीं, आप खुदा के लिए भलाई करें और भलाई करके उसको दे दें। आपको कोई मेरे साथ है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ये चोर है, इसने चोरी से पैसे मैं, मैंने कहा ओके बहुत अच्छी बात है, अगर आप मुझे चोर समझ रहे हैं तो आप ठीक समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा आदमी है और अपनी फील्ड का बादशाह है, तभी मैं कहता हूँ यार भाई ठीक है कोई बात नहीं, जो चोर कहा वो मेरा मसला है नहीं, मुझे सोचना चाहिए खुद कि मैं चोर हूँ या नहीं हूँ। अगर तो मैं चोर हूँ तो उसने सही कहा, अगर मैं चोर नहीं हूँ तो उसके बोलने से तो नहीं होगा कुछ, सही बात है, उसका मसला है, मैं इस पंचायत में क्यों पढ़ूँ। और अगर एक आदमी कह रहा है बहुत अच्छा है और ये अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहा है तो भी मेरा मसला नहीं है, ये वो कह रहा है, मुझे खुद देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कैसे चलना है। सर पूछना ये चाहूंगी कि अक्सर जिंदगी में ऐसा होता है, ऐसी बात इंसान है, 10 जगहों पे ये फीलिंग आती है कि अगर कोई भी हर्डल्स आ रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट में आपकी बात कर रही हूँ आपकी जर्नी का, या फिर कुछ ऐसे मुखालिफिन जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनसे मुकाबला आपने किस तरह से किया? यस, बड़ा अच्छा है आपने सवाल किया, मुझे नहीं पता था ये आप सवाल करेंगी, मैं इसका मैं जवाब दे चुका हूँ, कोई आदमी किसी का मुखालिफ नहीं है, माइंड की गेम है ये, तो जब आपको आपका कनेक्शन ऊपर है और सांस ऊपर से आ रही है और रिस्क वो दे रहा है तो किसी के आदमी के अच्छा कहने से, मुखालफ होने से या किसी उस मेरे अगेंस्ट होने से क्या फर्क पड़ेगा, मैं इतना कमजोर हूँ, डू नथिंग नहीं हो सकता। अगर वो आदमी मेरे मुखालिफ है तो ये उसका मसला है, मुझे कोई परेशानी नहीं है उससे। सेकेंडली बिलीव मी कि जिस वक्त आप कायनात के रास्ते पे होते हैं तो आपके तो काम हजारों लोग हैं रोकने वाले। मैं दीपलेस में कर रहा था, आर्मी अरे आगे बीच में, उनका दीपलेस में स्टोर नहीं बनाएंगे, तो मैंने कहा नहीं बनाएंगे कोई बात नहीं बैठिए। 5 महीने के बाद उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर काम शुरू करा था, मैंने तो नहीं गया, उन्होंने मुझे बुलाया DHA में, कभी नहीं गया, मैंने कहा जाना ही नहीं, ये काम हमारा थोड़ी है, हम तो मखलूक की भलाई के लिए कर रहे हैं, 400 लोगों को रिस्क लेकर इनको बदवाएं हम भी, तो किसने लाया। इसी तरह पंजाब में कई जगहों पे हमें प्रॉब्लम्स हुई, आपके अंदर उन प्रॉब्लम्स को, उन इशू को, उन चीज़ों को सेटल करने का अंदर एक मैकेनिज्म है। मैं आपसे अंदर बात करके आया हूँ कि इंसान अपनी बॉडी के बाहर सारी जिंदगी के हालात को देख के चलता है, मैंने वहाँ लिखा है आपके अंदरूनी सिस्टम का स्केल, किसने पढ़ा पढ़ा किसने, वहाँ जो बोर्ड में मैंने कहा था ये चीज़ें, वहाँ लिखा हुआ है अंदरूनी सिस्टम, हमारे अंदर एक सिस्टम है उसको उजागर करो, वो हमारी रूह है, रूह पावर है, उसके आगे कौन खड़ा हो सकता है ऐसी कमतैसी सबकी। तो आप क्या समझती है अलवा, हम पंजाब में गए तो हमें कोई एक कराची का आदमी 70 साल लोगों ने कहा, बल्कि मैं इसमें ये भी कहूँगा कि मैं एक बहुत बड़े पाकिस्तान के शहर का नाम नहीं कोट कर सकता, ये तासब हो जाएगा। जब मैं वहाँ गया तो उन लोगों ने मेरे आने से पहले एका कर लिया तमाम से छोटी बड़ी सुमर कि इसका कदम नहीं टिकने देना और इसको भगाना है यहाँ से, ये तो कराची काम कम है, ये यहाँ आ गया, ये हमें नहीं काम करने देगा, ये इसका नाम जो है ये थ्रेट्स है, हमारे लिए खतरा है। जब मैं गया मेरे मैनेजर्स ने कहा कि सर ऐसे ऐसे ये बातें हो रही हैं, ये मीटिंगें आपके, मैंने कहा बॉस स्टेट काम करो, मेरे पास दूसरा पॉइंट नहीं लाना। नेक्स्ट 3 दिन के बाद मेरी ओपनिंग थी तो जो मेरे मुखालिफ थे सबको मैंने कार्ड भिजवाए, मैंने कहा उधर आए, वो आए, उनको मैंने बुलाया, बुला के खाना खिलाया, मैं स्टेज पर गया, मैंने कहा एक दुआ कराई, मैंने कहा मेरा ये जवाब है आपको, ऐ मेरे खालिक और मालिक, ये लोग 50 साल 40 साल 60 साल से बैठे हुए काम कर रहे हैं, पहले इनको रिस्क देना उसके बाद फिर मुझे रिस्क देना, मुझे पहले नहीं देना क्योंकि इनका हक पहले है, पहले बैठे। वो हैरान हो गए, यार बंदे ने दुआ क्या करा दी, और ये दुआ बात बनाए बात नहीं है, ये बात रियल है कि अल्लाह ताला पहले उनको रिस्क दे, हमें कोई कमी थोड़ी की थी कराची में कि मैं भूखा मर रहा था, मैं पहले घर गाड़ियाँ शान शौकत इसी तरह थी, मखलूक की भलाई के लिए गए थे, सारे गले लगे खाना खाया, ओपनिंग में शामिल हुए,
आज तक बात नहीं की, आज हमारे 5 ब्रांचें काम कर रही हैं। सर आपकी फैमिली के बारे में भी ज्यादा लोगों को नहीं पता कि आपकी फैमिली मेंबर कौन है, मतलब कितने अफराद हैं आपके, मतलब बच्चे कितने हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं पहले बात कर चुका हूँ कि दोनों बेटे मेरे साथ है, वो और बेगम, हम एक ही घर में ऊपर नीचे 3 फ्लोर पर रहते हैं। सेकेंडली बात यह है कि स्टार्ट लाइफ में मेरी जो बेगम है, मैं दिल से उनकी इज्जत करता हूँ और काबिल तारीफ है, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। अगर आजकल की ख्वातीन के अंदर मैं इधर उधर देखता हूँ तो वो कंप्लेंट से भरी हुई है, मेरी बेगम शिकायत नहीं करती। शुरू से मैंने टाइम दिया नहीं दिया, देर से गया सवेर गया, उन्होंने मुझे नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है, ये आप, उनको पता था ये बड़ी जस्तजू से बड़ा डीपली लगे हुए, और उस वक्त हमारे पास पैसे भी इतने नहीं होते थे, तो इनको पूरा पूरा मुझे खेलने का मौका दिया का, और वो बेचारी बच्चों के साथ लगी रही, बच्चे पढ़ाए लिखाए। मेरी बेगम जो है उन्होंने हायर एजुकेशन, मेरी बेटी एक डॉक्टर बनाए, 3rd degree MBA लंदन से किया, बेटे दोनों MBA हैं, बेटियाँ MBA सब, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी फैमिली को मेरी बेगम ने पढ़ा लिखा के मेरे आगे तराश के रख दिया। मैंने सबकी शादियाँ कर दी 20 साल हो गए, अब 20 साल से मैं बिल्कुल फारिग हूँ, तो फिर ये काम कर रहा हूँ कि अभी अंदर देख के आएंगे ना, दिस इज माई हॉबी रिसर्च। वो कभी इस्लामाबाद रहती हैं, कभी यहाँ आ जाती हैं, कभी इस्लामाबाद जाती हैं, कभी तरह जाती हैं, उनके बहन भाई सब इस्लामाबाद में रहते हैं। ठीक है, बहू हमारे साथ हैं, बेगम भी साथ हैं, और मैं रोज़ाना 1 से 1.5 घंटा फैमिली सबको देता हूँ, बिजनेस को भी देता हूँ, एक्सरसाइज को भी देता हूँ, और अपना जो शौक है उसको भी पूरा करता हूँ। ये भी एक इंसान की भलाई का काम कर। जब हमारे सेंटर पर जाएंगे ना बुखारी में, तो आपकी आँख खुलेगी, ओ माई गॉड, दुनिया में ये, हम इस दुनिया को बस यही दुनिया, एक और दुनिया दी है, इसी के साथ खुदा हाफिज़।